गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पर जो हम लोग की वीडियो चल रही थी, मीन्स वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बाय विटेकर। यहाँ पर कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लास्ट वीडियो प्रॉपर नहीं हो पाया था, उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो लास्ट टाइम पर वी वर ऑन द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे थे हम लोग प्रोटिस्टा की। ओके, सो इन केस ऑफ प्रोटिस्टा यहाँ पर देखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। सेलुलर मीन्स दे आर सिंगल सेल्ड, और सेल कैसी है, यूकैरियोटिक। सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक होते हैं ये। ओके, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो 5 पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो कैसा है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। मीन्स प्रोटिस्टेंट्स आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक बोथ टाइप। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट सम मेंबर कम फ्रॉम एनिमल किंगडम, मीन्स प्रोटोजोवंस। सम कम फ्रॉम प्रोटोजोवन एंड सम कम फ्रॉम प्लांट। सो द मेंबर विच कम फ्रॉम प्लांट दे आर फोटोसिंथेटिक, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड विच कम फ्रॉम एनिमल किंगडम लाइक अमीबा पैरामीशियम, दे एडॉप्ट मीन्स दे मीन्स उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हेटरोट्रॉपिक है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटरोट्रॉपिक मीन्स दे आर हेटरोट्रॉपिक। और ऑटोट्रॉपिक आप समझते होंगे, ऑटोट्रॉपिक वे हैं जो अपना फूड स्वयं बना लेते हैं, और हेटरोट्रॉपिक वे हैं जो अपना फूड स्वयं नहीं बना पाते। मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग बींग फॉर देयर न्यूट्रिशन। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फंगस ऑफ फंजाई, द थर्ड किंगडम ऑफ विटेकर। जो लास्ट जो थर्ड किंगडम है विटेकर का वो क्या है, फंजाई। तो फंजाई के बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। द सेल्स आर, फर्स्ट है सेल स्ट्रक्चर, मीन्स द सेल्स आर यूकैरियोटिक। सेल्स कैसी हैं, यूकैरियोटिक हैं। अभी तक हमने देखा था कि सेल में देखें तो मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक एंड प्रोटिस्टन आर यूकैरियोटिक। नाउ इन केस ऑफ फंजाई आर आल्सो यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, मीन यूकैरियोटिक मीन्स सेल इज फुल्ली डेवलप्ड, न्यूक्लियस इज डेवलप्ड एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द सेल, मीन्स इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सेल वॉल। सेल वॉल हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, एज वी नो दैट सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ओके, बट हेयर वी स्टडी दैट सेल वॉल इज प्रेजेंट। सेल वॉल इज प्रेजेंट इट मीन्स यहाँ पर जो प्लांट सेल में सेलुलोजिक सेल वॉल हम देखते हैं, उस तरह की सेल वॉल नहीं है। यहाँ पर विदाउट सेलुलोज, सेल वॉल इज प्रेजेंट बट विदाउट सेलुलोज। और यहाँ जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, किसकी बनी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ फंगल सेलुलोज आर काइटिन। फंगल सेलुलोज आर काइटिन। सो सेल वॉल इज प्रेजेंट बट दैट इज मेड अप ऑफ फंगल सेलुलोज आर काइटिन। द थर्ड पॉइंट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट एज वी नो दैट सेल इज यूकैरियोटिक, इट मीन्स न्यूक्लियस इज डेवलप्ड, एंड व्हेन न्यूक्लियस इज डेवलप्ड इट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन द फंगस फंजाई। नाउ अबाउट द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दे आर मल्टी सेलुलर। सम मेंबर ऑफ फंगस आर यूनिसेलुलर लाइक सैक्रोमाइसिस आर यीस्ट, बट मोस्ट ऑफ देम आर मल्टी सेलुलर एंड लूज टिश्यू आर प्रेजेंट। इफ वी टॉक अबाउट द कॉलोनी, जैसे हम इसकी बात करें, इसके थैलस के बारे में बात करें, तो द सिंगल सेल ऑफ फंगस, हम लोग फंगस में जब डिटेल चैप्टर लेंगे तो उस समय हम लोग पढ़ेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। बट नाउ आपके लिए थोड़ी जानकारी के लिए हम शॉर्ट में बता देते हैं। जो सिंगल सेल दैट इज कॉल्ड हाइफी एंड ग्रुप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम, यानी पूरा थैलस जिसमें बहुत सारी हाइफी होंगी असेंबल्ड फॉर्म में, वो आपका क्या होगा, इनका माइसीलियम कहलाएगा। और सिंगल सेल इनकी क्या कहलाती है, हाइफी कहलाती है। सिंगल सेल इज कॉल्ड हाइफी एच। ओके, और माइसीलियम। ओके, द ग्रुप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम, सिंगल सेल इज कॉल्ड हाइफी। नाउ अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन ओनली हेटरोट्रॉपिक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन फंगस। सो हेटरोट्रॉपिक में भी इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू टाइप, सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट।
तो सेप्रोफाइट मीन्स द फंगस विच आर डिपेंडेंट फॉर देयर न्यूट्रिशन ऑन द डेड एंड डेब्रीज, डेड डेब्रीज आर डेड बॉडी ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड बॉडी, ओके, एंड द फंगस विच आर डिपेंडेंट फॉर देयर न्यूट्रिशन ऑन द लिविंग सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड पैरासाइट। यानी जो आपके डेड यानी मृत, जो मृत सड़े कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बने से अपना भोजन लेते हैं, डेड मटेरियल से विच टेक न्यूट्रिशन, दे आर कॉल्ड सेप्रोफिटिक। और जो आपके लिविंग सेल से न्यूट्रिशन लेते हैं, दे आर कॉल्ड पैरासाइट। ओके, सो दिस इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन केस ऑफ फंगस। नाउ वी टॉक अबाउट द प्लांटी, प्लांटी के बारे में बात करें तो सेल्स आर यूकैरियोटिक, मींस सेल्स आर फुल्ली डेवलप्ड, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज फुल्ली डेवलप्ड, न्यूक्लियस के साथ साथ आपके सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, एवरी सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन ए डेवलप्ड प्लांट सेल। ओके, नाउ इन केस ऑफ द सेकेंड पॉइंट विच इज द बेस ऑफ विटेकर, सेकेंड पॉइंट इज सेल वॉल। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल यहाँ पर देखते हैं प्रेजेंट, दैट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लांट सेल, सेल वॉल इज प्रेजेंट, और दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल के चारों तरफ जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और ये सेल वॉल किसकी बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, सो यू नो इफ सेल इज यूकैरियोटिक इट मीन्स न्यूक्लियस इज डेवलप्ड, एंड व्हेन न्यूक्लियस इज डेवलप्ड इट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, देन टिश्यू लेवल मीन्स टिश्यू आर डेवलप्ड हेयर, यानी टिश्यू लेवल तक यहाँ पर डेवलपमेंट होता है, और टिश्यूज ये जो आपके प्लांट सेल्स होती हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टिश्यू, मीन्स ये आगे डेवलप होकर टिश्यू बनाती हैं। प्लांट सेल्स क्या बनाते हैं? टिश्यू, एज आगे हम लोग पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू वगैरह वगैरह बहुत सारे, उनमें भी बहुत सारी आती है सेल्स। ठीक है, तो अब इसके बाद प्लांटी के बाद हम लोग बॉडी मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें कैसा है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मीन्स प्लांट सेल्स आर हम कह सकते हैं 100% आपके कैसे हैं? ऑटोट्रॉपिक हैं, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, एक्सेप्ट समवन, एक आध केस है, जैसे फॉर एग्जांपल इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है, जिसको हम लोग पिचर प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं।